मुझे नहीं लगता कि दिस इज फॉर एन इंटरनेशनल ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि हिंदुस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल ऑडियंस ने तो कुछ नहीं बोला। आप बता दीजिए कोई भी बड़ा मुल्क हो जिसने इंडिया को क्रिटिसाइज करा हो कि आपने बहुत गलत काम करा है और कैसे गलती हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड नेशंस में, माफ कीजिएगा, खड़े होकर जवाब दीजिए। अमेरिका ने नहीं बोला, चाइना ने भी ऐसी दबी छुपी बात करी, किसी ने नहीं बोला। तो हम क्यों दिखाएंगे किसी को चीना सा? पहली चीज। और मिसकैलकुलेशन की बात, देखिए आपने बात तो ठीक करी कि मिसकैलकुलेशन चांस बढ़ गया इससे, देर इज नो डाउट, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट। लेकिन चीमा साहब, आज तक जो भी मिसकैलकुलेशन हुए हैं, आज तक जितने भी हुए हैं मिसकैलकुलेशन, वो सारे के सारे पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। उन्होंने वो अपनी तरफ से कर दिया। एंड दिस होल थिंग अबाउट, एक मन बना लिया इंडिया ने कि ये सब जो पाकिस्तान कहता है ना, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ये मिसाइल डिसाइल दागेंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे, पाव पाव के लोग, ये सब दिस ऑल हॉट एयर, ऐसा होने जाने वाला कुछ नहीं है। एंड दे विल कीप ऑन। मैं बता रहा हूँ आपको, आज आपकी शो पे एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं तो बड़े क्लोजली इन चीजों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, आप भी देखते हैं, क्लोजली एनालाइज करते हैं। ये और होंगी चीजें ऐसी, कभी सबमरीन जाएगी, कभी एयरक्राफ्ट क्रॉस करेगा लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर, और माफी बाकायदा मांगी जाएगी, रिटर्न स्टेटमेंट दिया जाएगा कि गलती हो गई बॉस, माफ कर। लेकिन बिकॉज नाउ इंडिया ना, जो यहाँ पे मूड है भारत में ना, दैट्स नॉट अ वेरी नाइस मूड विथ रिगार्ड टू पाकिस्तान। जैसे बहुत हो गया यार, बहुत कारगिल हो गए 1965, 47, 48 की लड़ाई, 70, बहुत ज्यादा हो गया। अब टेररिस्ट बाकी जितने भी हुए थे, 26/11, 26/11 में तो आप लोगों ने खुद FIR फाइल कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों के लिए फाइल्ड FIRs अगेंस्ट द पीपल देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी कोर्ट्स में। तो अब नाउ दे सिंह की, ठीक है कर दो, आप न्यूक्लियर केपेबल हैं, बहुत अच्छी बात है, हमने तो कभी बोला भी नहीं आज तक। यू वुड हैव नेवर सीन एन इंडियन जनरल और इंडियन एनी पर्सन इन अथॉरिटी, इवन फॉर्मरली जो वेटरन भी होगा हमारे इंडियन आर्मी का जनरल, एयरफोर्स का जनरल, कभी उसने न्यूक्लियर एसेट्स की बात, हमारे यहाँ बात ही नहीं करते। पर चीमा साहब, ये आपको बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में डेली बात होती है, ओ आफ्टर ऑल वी आर अ न्यूक्लियर पावर, आफ्टर ऑल वी आर, इट्स नॉट अ बिग डील। ये इसको बहुत बड़ा मुझे लगता है पाकिस्तान में ना, इसको हवा बना दिया न्यूक्लियर वेपन्स को, कि एज अ न्यूक्लियर वेपन्स हो तो सब कुछ। न्यूक्लियर वेपन इज वन पार्ट, वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर, इट इज वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर। जैसे 10-15 प्रोजेक्शन होते हैं स्टेट पावर के, उसमें से एक है, इट इज नॉट द इंटायर 15, वो पूरा बंच नहीं है। तो किसी न्यूक्लियर पावर पर हमने तो कभी नहीं बोला, वी हैव नेवर, मैंने तो टेलीविजन डिबेट्स पे आज तक नहीं बोला कि वी आर अ न्यूक्लियर पावर। वी यू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वर्ल्ड नोज वी आर, इसमें बोलने वाली क्या बात, हम क्या आपको, हम क्या बोलेंगे कि चीमा साहब हम न्यूक्लियर पावर हैं, चीमा साहब डर जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई साहब माफ कर, ऐसा तो नहीं होने वाला। यू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, द वर्ल्ड नोज, तो भाई तो ये सब ऐसे ही चल रहा है चीमा साहब। ये जो माइंड सेट है ना, 4-5 years बैक देर हैज बीन अ डेफिनेट चेंज इन द माइंड सेट। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बता दूं चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, जब मोदी जी 2014 में आए थे, वो सच में, आप जो भी उनका माने कि ये है, पाकिस्तान में तो बहुत उनके खिलाफ चीजें कही जाती हैं, लेकिन मोदी जी जब आए थे, उन्होंने सच्चे दिल से हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, सच्चे दिल से, वरना नहीं जाते वो, उनका क्या लेना देना है नवाज शरीफ से, नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की क्या रिश्तेदारी, कोई भी नहीं, डजंट मैटर। आई एम वेरी श्योर कि मियाँ साहब को भी मैटर नहीं करेगा, वो अगर अपनी सीट पे आ जाए तो उनको क्या मैटर करना है, ठीक है। लेकिन अच्छे मन से गए थे, अच्छे दिल से गए थे, चाहे उनको बुलाया था, अच्छे दिल से पठानकोट बुलाया था, उसमें कोई छल कपट नहीं था, उसमें कोई मैल नहीं था। क्योंकि जब आप ISI जैसी एजेंसी, ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपका कोई बलूचिस्तान में एयरबेस है, ठीक है, आपका फॉरवर्ड एयरबेस है बलूचिस्तान में, राइट, और आप बोलेंगे जी वहां पे रॉकी टीम आ जाए, हम इनवाइट करते हैं, वहां पे रॉकी टीम आ रही है, 2 दिन रह रही है रॉकी टीम, नेवर अलाउ, नो कंट्री विल अलाउ। व्हाई पाकिस्तान? अमेरिका अलाउ कर देगा, चाइना अलाउ कर देगा, नोबडी विल अलाउ सर, आप नहीं अलाउ करोगे। मोदी जी ने बोला ये सर स्वागत है, आप आइए देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आपको सच बात बोल रहे हैं, आप आके देख लो। उसके बाद ये मन खराब होना शुरू हो गया है, अब मन इतना खराब हो गया है कि अब मुझे लग रहा है कि बहुत समय लग जाएगा इसको, अगर ये ठीक होता है तो। बाय द वे आई डोंट नो, मैं तो वैसे जाती तौर पे कहता हूँ कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू टॉक टू इंडिया। नाम क्या है? आपने बोला मेरा नाम डॉक्टर कमर चीमा है, तो क्या जी कमाल की बात है, मेरा नाम भी डॉक्टर कमर चीमा है, आप कहाँ के रहने वाले? पाकिस्तान। ओ जी कमाल की बात है, मैं भी पाकिस्तान का। दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। बहरहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में आई विल नॉट बी एबल टू से मच, बिकॉज माई नॉलेज इज एज मच एज योर्स चीमा साहब, जो आपने पढ़ा वही मैंने पढ़ा, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और लेकिन हाँ, ये भी आपने बोला कि नाम नहीं बताए, तो वो तो मैंने भी नोट करा था कि नाम नहीं बताए हैं, बट या अभी तक तो बात यहीं तक है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साहब, पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये तो दिस इज नॉट सफिशिएंट, कि आपने हमें बताया नहीं है,
आपने डिटेल्स प्रॉपरली शेयर नहीं की और पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया है। तो आप क्या समझते हैं ये जो इंक्वायरी की गई है, वॉज दिस फॉर पाकिस्तान, वॉज दिस फॉर, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि दिस इज इंडियाज जॉब टू टेल, वॉज दिस फॉर इंडियाज ओन क्रेडिबिलिटी, वॉज दिस फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस, और वॉज दिस एन आई वॉश? जी मतलब फौज में ट्रेनिंग के दौरान अगर एक खोखा भी खो जाता है ना, एक एक कारतूस का खोखा फायरिंग रेंज पे, ट्रेनिंग एमुनेशन का खो जाता है, तो उसकी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। तो गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी भी ऐसी, तो मैं 10 कर चुका हूँ फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो हर चीज की होती है, टू फाइंड आउट कि हुआ क्या, टू गेट टू द बॉटम ऑफ द फैक्ट्स कि हुआ क्या। लोगों के स्टेटमेंट लेते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और भी लोग होते हैं। सो एक प्रॉपर प्रोसेस है, एंड इट इज द सेम पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी सेम, और एयरफोर्स फॉर दैट मैटर, इट इज द सेम फॉर्मेट, एंड द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज कैरिड आउट। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के कहने पे उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, क्योंकि पाकिस्तान पे तो मिसाइल मारी थी उन्होंने। तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप पहले किसी पे मिसाइल मार दें, फिर आप बोलेंगे हाँ जी आपने बोला कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर दो, तुमने कर दी। मुझे लगता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है इसलिए, बिकॉज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है हर चीज में फौज में। द फौज इज वेरी फॉन्ड ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज फॉर एवरी स्मॉल थिंग, देयर इज अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो बहुत बड़ी चीज थी तो वो नहीं थी। अब पता नहीं ग्लोबल क्रेडिबिलिटी के लिए करी थी कि नहीं करी थी, बिकॉज ब्रह्मोस के जो ऑर्डर्स हैं, जो कंट्रीज ने ऑर्डर्स दिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पीपल आर स्टिल कीन एंड दे आर टेकिंग द डील फॉरवर्ड। सो इंडिया हैज बीन डिप्लोमेटिकली एबल टू कन्विंस देम दैट ऐसा कुछ था नहीं, फॉल्ट शॉर्ट था नहीं, और वो लोग सिस्टम्स देख चुके हैं, दे नो द सिस्टम्स एंड ऑल दैट। सो ऐसा है नहीं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब इसके सामने, मैंने पाकिस्तान से भी सुना कि पाकिस्तान से भी आवाजें आ रही थी चीमा साहब की, पाकिस्तान को भी इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में शामिल करा जाए, पाकिस्तान भी इंक्वायरी में शामिल हो, ऐसा पाकिस्तान से एक डिमांड आई थी। मैंने पढ़ा था, डॉन न्यूज में भी पढ़ा था, मैंने जियो में भी पढ़ा था। तो वो तो जो पॉसिबल नहीं है, तो चीज तो वही डिमांड करें जो पॉसिबल हो। क्योंकि एक बार मोदी जी ने इन्वाइट करा था पठानकोट ISI को, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, द ISI वॉज इन्वाइटेड इन पठानकोट विद अ गुड क्लीन हार्ट कि आप कोई अपने फॉरवर्ड एयरबेस पे किसी दूसरे मुल्क को, जिसके साथ आपकी चार जंगें हो रखी हो, कोई उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को इनवाइट नहीं करता। मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मोदी जी ने कराई सेट कि आप आओ देखो, हम जो आपसे कह रहे हैं हम गलत नहीं कह रहे, आपके यहाँ से बंदे आए थे, आपके यहाँ से बंदों ने अटैक करा था, पाकिस्तानी सिटीजन्स थे, दे हैव लॉन्च्ड एन अटैक, दिस इज द प्रूफ, एंड ही इन्वाइटेड देम इनसाइड पठानकोट, एंड दे वर टेकन इनसाइड पठानकोट, एंड दे सॉ इनसाइड पठानकोट। उसके बाद हुआ कुछ नहीं, बोला कि नहीं साहब ये इंडियन लिटरेचर है, ये तो बकवास है, झूठ बोल रहे हैं इंडियंस, तो कुछ नहीं हुआ ये सब। तो अब हो गया कि ठीक है, बस जो आप भी अपने शोज में कई बार बात करते हैं ना कि इंडिया हैज टेकन टू टोटली इग्नोरिंग पाकिस्तानी लीडरशिप एंड पाकिस्तान की जी बात ही नहीं करनी, इसके पीछे भी वजूहत कई हैं चीमा साहब। ये ना एक दिन में नहीं हो गया ऐसे कि इंडिया का मूड फिर गया, और इंडिया वी डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस। भारत में आपको इमोशनल डिसीजंस नहीं देखेंगे कि किसी ने हमारा नुकसान कर दिया तो हमने बोला नहीं कल से हम तो वी डोंट टेक, वी आर नॉट, प्राइवेटली वी माइट बी इमोशनल, बट प्रोफेशनली वी आर नॉट इमोशनल पीपल, वी आर वेरी दैट वे, मतलब 2+2=4 करके चलने वाले हम लोग हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कारगिल के बाद, ये सब चीजों के बाद जो हुआ है, उसके बाद एक सर्टन माइंडसेट डेवलप हुआ है। वो 2+2=4 वैसे हो गया कि मोदी जी अभी हेल्प पे हैं, एंड ही इज ऑफ अ सर्टन माइंडसेट। ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, जैसे मैं आपकी शो में पहले ही बता चुका हूँ, ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, ये संघ के लोग हैं सब, ये सो दे आर ऑफ अ सर्टन माइंडसेट। इन्होंने पहले हाथ मिलाया, मोदी जी की तरफ से ये था कि हमारे जो बड़े थे वाजपेयी जी, वो भी मीनारे पाकिस्तान गए थे, और मैं फ्रॉम मोदी जी इस परस्पेक्टिव बता रहा हूँ कि वो तो बड़े थे ना, इनके बुजुर्ग थे इनके, तो हमारे बड़े गए थे वहां पे, और जो पाकिस्तानियों की शिकायत थी कि तस्लीम नहीं करा, तो उन्होंने तस्लीम भी करा मीनारे पाकिस्तान में जाके, और सब कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद कारगिल हो गया, फिर हमने मियाँ साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन पे, और हम उनके वहां पे, शायद उनके कोई खानदान में किसी की बेटी की शादी भी थी तो उसमें भी गए, लेकिन उसके बाद पठानकोट हो गया, उड़ी हो गया, और पठानकोट पे भी हमने फिर ISI को बुलाया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो इनकी कुछ गवर्नमेंट की और मोदी जी की पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी